द कुकिंग ख़त्म हो चुकी है और मैं मेरी फेवरेट प्लेस में आ चुकी हूँ। देखिए कितना सारा फूल, मुझे अच्छा लगता है यहाँ बैठना और आप सब से बातें करना। तो चलिए आप कुकिंग को एंजॉय कीजिए और मैं थोड़ा बैकयार्ड में पूरा आधा घंटा वॉक करूँगी। यहाँ जो वॉक करती हूँ बहुत ही स्लो, लेकिन एंजॉय करती हूँ। ग्रीन मुझे पसंद है, जहाँ ग्रीन वहाँ मंजरिका। सचमुच हर एक पेड़ के साथ मेरा कनेक्शन है। वो कैसा ग्रो कर रहा है, क्या है उसका सूखा पत्ता निकलना जो पेड़ से, और फूल क्यों नहीं हो रहा है, और कैसे उसका ग्रोथ होगा, वो देख देख के मेरा टाइम आधा दिन ऐसे ही चला जा रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बातें करूँगी और आप कुकिंग को एंजॉय कीजिए। ये तो जो बोलते हैं ना कुकिंग, और मम्मियों का आधा टाइम ले रहा है, ये है कि नहीं? हाँ, कोई कोई थोड़ा स्मार्ट हो के आप मसाला रेडी करके फ्रिज में रख सकते हो, नहीं तो आप ढेर सारा सब्जियों को काट के फ्रेश करके उसको आराम से टिफिन में पैक करके रख सकते हो। फिर भी मुझे लगता है हम लोग का लाइफ का हर दिन 2 से 4 घंटा तो कुकिंग में ही जा रहा है। तो चलिए थोड़ा बहुत कुकिंग को एंजॉय करते हैं और ब्लॉग को शुरू करते हैं। सुबह उठे कि नहीं काम शुरू हो जाता है, पेड़ को ठीक करो। और राहुल तो कभी ठीक से नहीं रख रहा है, कभी भी कुछ भी आप देखिए उसका सब कुछ कैसा गंदा रखता है, सब कुछ उसको सब कुछ फोल्ड करके मैं रख के फिर नीचे जाती हूँ। इधर पढ़ाई, उस रूम में कपड़े रखेगा, इधर पूरा एकदम अंधेरा, पूरा स्क्रीन को टांग के रखता रहता है। तो चलिए नीचे चलेंगे, दोनों चले गए ऑफिस और स्कूल, मैं अकेली रह गई हूँ। कुछ आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी फार्मर मार्केट, कुछ लेके आऊंगी, कुछ कुक करूंगी। खुद को बिजी रखने के लिए जो भी साधन है वो करना है। और अभी तक चाय नहीं पी, मैं एक साथ रेडी होके नीचे आ गई क्योंकि मुझे जाना है फार्मर मार्केट। तो चाय भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं, और दोनों चले गए बैकयार्ड। देखने से पूरा मन खुश हो रहा है। तो चलिए मैं पहले ये किचन को क्लीन करने के बाद आपसे मिलती हूँ। चाय मैं बिल्कुल बिल्कुल दूध का चाय पीती हूँ। हाँ, ये पूरा फैट फ्री मिल्क है और ज़्यादातर पानी ही जैसा ही दिखता है। जैसे आप एक कप चाय में एक कप पानी मिलाओगे कि आप कप चाय दूध में चाय पानी मिलाओगे, ऐसे ही बिल्कुल पानी ही दिखता है। तो ढेर सारा अदरक मिलाती हूँ, ढेर सारा।
तो पहला मेरा दिन में चाय के साथ शुरुआती होती है, एक ग्लास पानी चाय। उसके बाद मैं फार्मर मार्केट से कुछ फ्रेश वेजिटेबल लाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ 2 घंटे के बाद। अभी टाइम 8:30, सब चले गए हैं, तो खुद को बिजी रखने के लिए जो भी साधन है वही करना है। तो एक्सरसाइज भी करना है, 2-3 माइल ट्रेडमिल में भी चलना है और थोड़ा एरोबिक्स। तो चलिए, दिन भर जो भी करूँगी आपके सामने सब ब्लॉग के माध्यम से पहुँचा दूँगी। तो रेडी हो जाइए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब अच्छे होंगे वही सोच के साथ ये ब्लॉग को शुरू कर रहे हैं। इसका कोटा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो 1 आवर चलती। मैं कैमरा को घुमा के आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ा भी आप सबको मैं अगर ये मम्मियों को मोटिवेट कर लूँ ना, मुझे लगेगा कुछ तो किया। तो सचमुच आप खुद के लिए 1 घंटा तो हम लोग निकल सकते हैं कैसे भी करके। ये है, तो ये रही मेरा 2nd कप चाय और कुछ फ्रूट्स। अपना ख्याल आप खुद रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। ये चीज़ हम लोग एक्चुअली बहुत देर कर देते हैं, तो जब तबीयत खराब हो रहा है कि हो जाता है उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना ख्याल, खुद का ख्याल रखना। सचमुच आप अगर फिट रहोगे हर फैमिली मेम्बर फिट रहेंगे, आप अगर सुस्त रहोगे हर फैमिली मेम्बर सुस्ती रहेंगे। इसीलिए ये छोटा सा आपको रिक्वेस्ट है, पहला आपका ख्याल रखिए उसके बाद दूसरों का, क्योंकि आप अगर ठीक ठाक रहेंगे तभी तो ये जो घर चलेगा, कैसे घर चलेगा। आप अगर तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ भी होगा, तो आप तो बेड में पड़ के रहोगे, मन ठीक नहीं रहेगा, तो फैमिली क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ, मेरी मम्मी को भी मैं बहुत बार रिक्वेस्ट करती हूँ जी मम्मी एटलीस्ट 20 मिनट चलो। तो मेरे जैसा फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी व्यूअर्स हो, मेरे एज में जा रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ढेर सारा फ्रूट्स का, ये मेरा पपैया मेरा फेवरेट है, और मैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ या एरोबिक्स करती हूँ। टीवी को ऑन कीजिए, यूट्यूब जाइए और 10 मिनट कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। अपना ख्याल आप खुद को रखना है, क्योंकि ऐसे तो मैं ग्रोसरी लेने, कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, ढेर सारा काम करती हूँ, फिर भी जरूरी है एक्सरसाइज। तो खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। पूरी, चिली चिकन, आलू भाजी आज का मेनू। एक बातें आपसे शेयर करनी थी, जो फार्मर मार्केट गई थी कुछ भी नहीं लाई, क्योंकि कुछ भी चीजें मुझे पसंद नहीं आया। फ्रूट्स सब कुछ कस्को से लेके आई थी। हाँ, मैं कुछ ऐसा चीज़ ढूंढती रहती हूँ जो मैंने कभी कस्को हो या वालमार्ट हो, कोई इंडियन जो दुकान में जाती हूँ उधर नहीं मिलता होगा कि फ्रेश, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैं चली आई, और आपको कैसा ब्लॉग लगा वो आप कमेंट देके बोलिए। आपको अगर अच्छा लगा ना, आप लाइक
ना देके मत जाइए, एक थम्स अप तो मैं डिजर्व करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही रख रही हूँ, नया दिन नया ब्लॉग के साथ आपके पास फिर हाजिर हो जाऊँगी। हमेशा मैं चिंता करती हूँ जो मेरा ब्लॉग को कैसे इम्प्रूव करूँगी और कैसे क्या करने से आपको अच्छा लगेगा। और डे टू डे लाइफ में मैं जो भी करती हूँ, जो भी घूमना फिरना, कुकिंग, बच्चे, हस्बैंड, गार्डनिंग तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय काम है। लेकिन हाँ, क्या हो रहा है मेरे स्किन को पता नहीं, डॉक्टर बार बार मुझे मना कर रहे हैं जे ग्रास का आसपास हो और ये सनलाइट आपका स्किन के लिए ठीक नहीं। फिर भी ना सुनते हुए अच्छा नहीं लगता है ऐसे चुपचाप बैठना। और इस बार मैंने कुछ भी ऐसा पेड़ नहीं लगाया, दो चार टमाटो प्लांट मैंने अभी तक लगाया, लेकिन हर 3-4 साल से इतने अच्छे से सब हो रहा था, पता नहीं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही रख रही हूँ, फिर कल मिल जाऊँगी। टाटा टाटा।